ओके सो पैसेज की जब अपन बात कर रहे थे, एक बार पहले वो लास्ट वाला पैसेज जो सॉल्व करवाना बाकी था वो कर लेते हैं कंप्लीट, और फिर देन विल हेड टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, सो टुडे इज मंडे, मोस्ट लाइकली बाय थर्सडे विल फिनिश द सिलेबस. चल ला दो मुझे एक बुक. क्या कौन सा वाला पैसेज करवाया था? पैसेज कौन सा था, किससे रिलेटेड था? इसमें तो अब निकालना पड़ेगा हमें ना. उसी में जाके मिलेगा क्या? दो ही पेपर तो ले रखें क्या? अच्छा वो तो अर्जेंट ही बना. कौन सा करना था? So what do you understand by employee attrition rate? इसका the first second line में answer दे रखा है employee attrition rate का. क्या होता है employee attrition rate? Proportion of number of employees who leave the company. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी किसी को? Explain the ways to reduce high employee attrition. आप ये जो high employee attrition है, लोग छोड़ छोड़ के जो जा रहे हैं, इसके क्या ways है, मतलब इसके क्या suggestions हो सकते हैं कि अपन इसको reduce कर सकें? पॉसिबल सजेशन क्या हो सकते हैं? वन बाय वन. यस, हाँ, देयर शुड बी अ कंपल्सरी बॉन्ड साइनिंग. ठीक है, और क्या हो सकता है? प्रॉपर वर्किंग कंडीशन इन द एग्जिस्टिंग कंपनी. ठीक है, कॉम्पिटेंट सैलरी, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. बहुत हो गए, चाहो तो लिख सकते हो बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लिख सकते हो. सेकंड इज बेटर वर्किंग कंडीशन, कॉम्पिटेंट सैलरी एंड स्ट्रिक्ट रूल्स रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉय स्टेबिलिटी के रूल्स होने चाहिए, जैसे बॉन्ड वाला. समथिंग रिलेटेड टू द पैसेज. हाँ, नहीं बस दो नंबर के तो क्वेश्चन बहुत है. अपन ने जो यहाँ डिस्कस करे ये सारे डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसेज के ही है. बॉन्ड वाला पॉइंट लास्ट में सजेशन में दिया उन्होंने. वर्किंग कंडीशन, इसके अलावा बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये सब अपने क्वेश्चन से पैसेज से ही निकले. फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका आधा है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? इसमें फंसे क्या? बीएसटी का लिखे आयो. एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? वन बाय वन. हाँ, तो एम्प्लॉय जो जॉब चेंज करते रहते हैं उसको एम्प्लॉय टर्नओवर. तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये इन्होंने पूछी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इम्पोर्टेंस में या नेगेटिव पार्ट ही लिखोगे या पॉजिटिव भी लिख सकते हो? दोनों लिख सकते हो. तो क्या लिखा पैसेज में से, क्या निकाल के लिखा है? डैमेज द गुडविल, ये नेगेटिव पार्ट हो गया कि एम्प्लॉय टर्नओवर अगर होगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी गुडविल डैमेज होगी. ये कंफ्यूज करता है यहाँ पे वर्ड इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस से अपने को समझ में आता है कि सिर्फ फायदे लिख के आने हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है. राइट, क्या ज्यादा होगा? हाँ, अगर एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी. तो पॉइंट नंबर टू लिख सकते हो लैक ऑफ स्टेबिलिटी.
right? So adversely affects the goodwill of the company, first point. Second point आप इसमें लिख सकते हैं lack of stability. What else? Success for competitive market, point number 3. Yes. Advancement of new technology. ठीक है, बहुत है, दो एक नंबर का क्वेश्चन है, दो तीन पॉइंट भी बहुत होता है. और लास्ट इज हाउ डज एम्प्लॉय टर्नओवर रेट अफेक्ट ब्रांड इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. कि एम्प्लॉय टर्नओवर ब्रांड इमेज को कैसे अफेक्ट करता है. तो फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी. पहली चीज कि एम्प्लॉय टर्नओवर ब्रांड इमेज को अफेक्ट करेगा तो फ्यूचर ग्रोथ नहीं होगी. बट इसने ये पूछा है कि अफेक्ट कैसे करता है. कोई भी उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा. पब्लिक इमेज खराब होगी. इमेज खराब होगी का मतलब यही है दैट नोबडी वुड लाइक टू स्टे इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पार्ट. यही लाइन एग्जाम्पल आंसर होगा इसका. नोबडी वुड लाइक टू स्टे इन सच ऑर्गेनाइजेशन. Nobody would like to stay in such organization for a longer period. सब कुछ ही गो डाउन हो जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन ही गया. लीडिंग टू क्लोजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे भी लिख सकते. Closure of organization in the near future. बंद हो जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली सारे आंसर लाइन बाय लाइन तो नहीं मिलेंगे आपको. ऐसी केस स्टडीज में समझ में आया होगा. अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, अपनी ही लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. So now any doubt to any student in the comprehension passage. Comprehension passage में book के passages से ज्यादा importance है last year के passages की. क्योंकि book के objective type दे रखे हैं, objective type आते ही नहीं है. हमेशा subjective type आ रहे हैं. और पिछले दो तीन attempt से तो आपके case study वाले आते हैं. Last attempt में नहीं आया था बस case study. Okay, so shall we proceed to report writing now? बढ़ जाए. आपने क्या किया?